रईजा से काफी टाइम पहले टाइटेनियम आर्मी ने मुझसे एक डिमांड रखी थी कि भैया आप क्या करो, आप एक ऐसी आरसी कार लेके आओ जो कि टाइटेनियम आर्मी के लेवल की हो, लेकिन साथ ही साथ वो गाड़ी बैटरी से नहीं बल्कि पेट्रोल से चलती हो। जी हाँ गाइस, हालांकि काफ़ी लोग तो पहले से ही जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इससे पहले हमने एक टाइटेनियम आर्मी के लेवल की आरसी कार बनाई थी जिसके अंदर हमने एक बड़ी किंग साइज मर्सिडीज को ही रिमोट कंट्रोल बना दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लेकिन हाँ वो एक अलग चीज़ है, वो टॉय नहीं है, टॉय टॉय होता है। तो हमने क्या किया, हमने पूरे भारत के अंदर रिसर्च की, पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर पता किया कि कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही थी यार। ऐसी गाड़ी सिर्फ बाहर ही मिलती है, लंदन बाहर की बात क्यों, अबे 3 लाख की है ये, इतने झूठ मारूंगा। तो मैं कह रहा था भाई इंडिया में नहीं मिली तो क्या हुआ अपन भी टाइटेनियम आर्मी है, अपन भी मिस्टर इंडियन हैकर है, यहाँ नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, बाहर से। जी हाँ गाइस, पूरे 3 महीनों की वेटिंग के बाद हमने आपके लिए टाइटेनियम आर्मी की लेवल की कार मंगा दी है जो कि पेट्रोल से चलती है और रिमोट कंट्रोल्ड है। तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई यकीन मानो मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और 3 महीनों की मैंने इसके लिए वेटिंग की है। तो यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना भाई लोगों। गाइस कितने की ली, कहां से ली ये मत पूछो, बस इतना बता देता हूं कि भैया इसको जो है यहां तक आने के अंदर ही जो है 3 महीने का टाइम लग गया, कस्टम्स वगैरह क्लियर होने में, ड्यूटी वगैरह पे करने में, बहुत सारी चीज़ें होती है अगर बाहर से कोई चीज़ मंगाते हो और वो भी अगर पेट्रोल इंजन हो तो अलग सीन होता है। हाँ तो ये है, बहुत ज़्यादा भारी भी है, ये उठा के देखना कितना वजन होगा, बहुत भारी है गाइस क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल इंजन है। चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं मेरे को ये बहुत शौक है आपकी तरह यार, खिलौने वगैरह का और टॉयज वगैरह की, बचपन के अंदर नहीं खरीद पाया था तो अभी जो है खुद भी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं आप लोगों की वजह से और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। वाह है ना। तो गाइस ये जो है सील वगैरह खोल दी जाती है क्योंकि जब भी कोई चीज़ बाहर से आती है तो इसकी चेकिंग की जाती है कि इसके अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं है। तो मैं भी इसकी सील तो खुल गई है, कस्टम्स वहाँ पर खुल जाती है चीज़ें। गाइस असली है, ओ ये पेट्रोल से चलती है भाई, मेटल बॉडी है। देखो टायर, देखो टायर, ये देखो देखना टायर देखना गाइस। वाह यार गाइस टायर देखो, मतलब ये वॉल रबड़ नहीं है बिल्कुल, मतलब मेटल का फील है और बहुत तगड़ी वाली रबर ये देखो। और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये देखो तो इसके अंदर ये कुछ सामान है, ये आई थिंक मुझे नहीं पता ही क्या है, लेकिन ये बहुत सारा सामान इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये मैनुअल है इसके अंदर, ये देखो, ओ भाई साहब। तो ये जो गाड़ी है ये कुछ इस तरीके से है और इसका जो इंजन है वो है 36 cc का। जी आ गए 36 cc का इंजन है और ये आई थिंक इसके अंदर फ्यूल्स वगैरह डलेगा या फिर ऑयल है या फिर पता नहीं क्या है, मैं पहली बार ही ये ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, नहीं पेट्रोल वाली गाड़ी, इसलिए मुझे भी इतना नहीं पता है। ये कुछ पाने पेचकस है जो कि मेरे हिसाब से इसके अंदर फिट करने के लिए है, ये मफलर होगा और देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ये डीबड़ी पता नहीं कहीं है, ये डीबड़ी नहीं है वो पेट्रोल। अच्छा, अरे यार पहली बार देखी मैंने। सबसे जोरदार चीज क्या है, क्या है, साइलेंसर देखो यार। भाई साइलेंसर तो कते अलादीन का चिराग है, ये देखो गाइस इसको उठाना, ये देखो साइलेंसर देखो, ओ गाड़ी में वजन दे, एक बार गाड़ी में वजन दे पूरा भाई, उठा 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 उठा, ओ भाई। तो गाइस ये देखो, ये है टाइटेनियम आर्मी के लेवल की आरसी कार। ओ भाई वजन देख, वजन पीछे से दबा, पीछे उठा देख कितना वजन, ओ भाई यार वजन दे यार। अगर ये बैटरी वाली होती ना गाइस तो इसके अंदर कोई भी वजन नहीं होता, सिर्फ दो मोटर्स होती, दो डीसी मोटर्स और बैटरी होती और कुछ कंट्रोलर्स होते, लेकिन ये देखो ये पूरी भाई साहब पेट्रोल इंजन है। ये देखो इधर से देखो, ये साइलेंसर है इसका बहुत भारी, ये देखो साइलेंसर है ये इसका, कते अलादीन का चिराग। और ये देखो जो इस शॉक एब्जॉर्बर्स है ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आई थी, ये देखो स्प्रिंग्स जो है लोहे की स्प्रिंग है, ये देखो। और देखते हैं और क्या है इसके अंदर, और ये इसका स्पॉइलर है गाइस, वैसे यहाँ से भी खुल जाता है ये तो ये इसका स्पॉइलर है गाइस,
क्या है कि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है, स्पॉइलर है और ये कंट्रोल कंट्रोलर थोड़ा सा और अच्छा मे भी हो सकता था, कोई बात नहीं, अपन तो जुगाड़ू इंसान है। इसके रिमोट को चेंज करेंगे और इस कंट्रोलर को हटा देंगे, अपनी पसंद का DJI का लगा देंगे इसके अंदर अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैनुअल है गाइस, अब अपन क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपके सामने अनबॉक्सिंग की है तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए नई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इसे असेंबल करते हैं, असेंबल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। टायर वायर लगाते हैं, पेट्रोल वगैरह डालते हैं। अच्छा, ये वैसे स्टार्ट होती है? हाँ, ये वैसे स्टार्ट होती है गाइस, जैसे वो टेम्पो स्टार्ट नहीं होता, खर वैसे स्टार्ट होगी। तो चलो छोटा सा ट्रांजिशन लेते हैं, तब तक क्या करोगे, जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया अब तो कर दो यार, कर दो यार, कर दो भाई यार, सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। चलो अब इस गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं। फ्यूल डालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ढक्कन है, इसको खोल देते हैं, और ये इसका कैन है जिससे इसके अंदर फ्यूल डाला जाता है। देखता रहे टंकी फुल ना हो जाए, नई गाड़ी टंकी फुल ही कर देते साथ ही साथ गाइज इसके अंदर जो है एक छोटी सी बैटरी भी है, जिससे कि जो RC रिसीवर्स है और जो सर्वोज हैं उनको पावर मिलती है। तो ये एक तरीके से हाइब्रिड कार आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। बैटरी प्लस हाइब्रिड तो नहीं होगी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हाइब्रिड तो नहीं कह सकते। और ये रहा इसके अंदर बटन, जिससे ये स्टार्ट और ऑफ ऑन होती रहेगी, इस बटन से ये हो गई ऑन। अब मैं रिमोट को भी करता हूँ ऑन, वाव। तो ये देखो, तो ये इसकी स्टीयरिंग है गाइस, जैसे ही मैं इस टायर को घुमाता हूँ इसकी स्टीयरिंग घूमती है, देखो इस तरीके से। और ये इसका एक्सेलरेटर है, ये देखो यहाँ पे एक जो मोटर है वो काम करेगी, देखो जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ, देखो तो ये इसका एक्सेलरेटर है, और जैसे ही मैं इसको इधर की साइड प्रेस करूँगा अंगुली से तो ब्रेक्स लगेंगे, ये देखो, ठीक है गाइस। यहाँ पे एक और बटन है जिससे कि अपन इंजन को बंद कर सकते हैं, देखो ये रहा इस वाले बटन से। चलो इसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम ही इधर की साइड रख लेते गाइस, पहली बार है, गाड़ी थोड़ी महंगी भी है, अब मुझे नहीं पता क्या होगा। एक दो, गंदी होगी लेकिन इतनी सी देर के अंदर ही, धीरे धीरे चलाते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं, लेकिन जो भाई साहब गाड़ी है ना,
यकीन मानो मजा आ गया गाइस। ऐसा अगर टॉय की बात करें, रियल लाइफ तो खैर अपन करते रहे, अगर टॉय की बात करें तो ये मे बी आई थिंक अब तक का मेरा सबसे फेवरेट टॉय है। यकीन मानो इतना मज़ा और इतनी दमदार चीज़ मैंने तो अभी तक किसी भी आरसी के अंदर नहीं देखी है। बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है यार। एक बार स्टार्ट करें मनीष इंजन। भाई साहब राजस्थान के घर में इतनी हाईफाई है कि मेरे हिसाब से इसका भी इंजन हीट मार गया। देखते हैं पता नहीं क्या हीट मारा क्या होता है। 15 minutes later. तो गाइस इसमें प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी, ये एलन की होगी लूज और यहाँ टच हो रही थी, तो इसको स्टार्ट करते ये पहिए भी घूम ही रहे थे साथ में। अब एलन की को कर दिया टाइट, प्रॉब्लम होगी सॉल्व। गाइस गड्डी ठीक हो गई है फिर से। हमने जो है इसकी क्लच प्लेट्स को ज्यादा ही चिपका दिया था, तो खोली गाड़ी को फिर से रिपेयर कर दिया। हम किसी से कम है क्या, हम कुछ भी कर देते। गणेश कर स्टार्ट। गाड़ी देगा पावर। ऐसा समझ लो कि ये तो छोटी मोटी मतलब छोटी वाली V12 इंजन मान लो इसके हिसाब से। तो सही बता रहा हूँ, रियल गाड़ी को चलाने में नहीं आया था क्योंकि इतनी पावर यार। देखना मैं फुल एक्सेलरेट तो कर ही नहीं सकता था। फुल एक्सेलरेट करते थे पलटी आ जाएगी। गाइस यार अब आप बताओ इसके साथ में क्या किया जाए, इसे एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाया जाए या फिर नहीं जाया जाए। आई नो कि आप बोलेंगे ऑफ कोर्स जाया जाए। कमेंट करके बताओ, अगर इस वीडियो के अंदर 50,000 कमेंट्स आते हैं तो इसका एक्सट्रीम लेवल पे टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर कितनी पावर है। चलो भाई आज के लिए बस इतना। हमसे मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।